जिले भर में सुस्त पुलिस व्यवस्था के चलते चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में भय व्याप्त है। जिले भर के कई मंदिरों में अब तक चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुछ मामले अब तक राज ही बनकर रह गए हैं। ताजा मामला बाड़मेर के धोरीमना कस्बे का है, जहां बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक जैन मंदिर को निशाना बनाया और वहां से 3 तिजोरियां उठाकर ले गए, जो मंदिर के पीछे धोरीमना पहाड़ी पर मिली हैं। घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद मंदिर कमेटी के लोग एवं आसपास के लोगों की भीड़ मंदिर में जमा हो गई। वहीं धोरीमना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर परिसर का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंदिर के पुजारी जोगाराम के अनुसार हमेशा की तरह जब वह गुरुवार सुबह मंदिर पहुंचे तो मंदिर द्वार के ताले टूटे मिले। वहीं मंदिर में रखी 3 तिजोरियां भी गायब थीं, जो धोरीमना पहाड़ी पर मिली हैं, जिसमें दान के रूप में लाखों रुपये आए हुए थे। क्या नाम है? जोगाराम। जोगाराम जी, मंदिर में चोरी हुई है क्या? मंदिर में चोरी हुई है। आज सुबह जब आडा खोलने के लिए आए, जब ताला टूटा हुआ था और 3 भंडारा चोरी हो गया। अच्छा, कितने पैसे थे लगभग? पैसे दोगे? मतलब 50 लाख रुपये हो गए लगभग। अच्छा, फिर आपको पुलिस को सूचना दी क्या? फिर अड़ोस पड़ोस में बोला। हाँ, सब लोगों के भाई चोरी हो गई, ताला टूट गया। हाँ। और फिर पुलिस को फोन किया। हाँ। फिर पुलिस आई। मिले हैं वो वापस? भंडारे मिले, खाली भंडारे। खाली भंडारे कहाँ मिले? वो पीछे पहाड़ी की तरफ, पहाड़ के पास। पुजारी के अनुसार सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।